और बगदाद में अमरीकी हमले में जान बहक होने वाले जनरल कासिम सुलेमानी का जस्द खाकी ईरान पहुंचा दिया गया। ईरानी जनरल की मैयत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। इराक में अमरीकी हमले में जान बहक होने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मैयत इराक से ईरान पहुंचा दी गई है। उनकी तदफीन मंगल को आबाई शहर किरमान में होगी, जिसके हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। जनरल सुलेमानी की मैयत ईरान के जनूब मगरबी शहर अहवाज पहुंचाई गई, जहां से मैयत को मशहद और फिर तेहरान ले जाया जाएगा। ईरानी परचम में लिपटे उनके ताबूत को तैयारे से उतारा गया। ईरानी जनरल को खराज अकीदत पेश करने के लिए सयाह लिबास में मलबूस हजारों अफराद शहर की सड़कों पर निकल आए और मरहूम जनरल को आंसुओं का नजराना पेश किया। जुलूस में शुरका ने बड़े बड़े झंडे उठा रखे थे और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की। जुमे की सुबह इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी रॉकेट हमले में ईरान के अल-कुद्स फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के अल-हशद अश-शाबी के डेप्यूटी कमांडर अबू महदी अल-मुहंदस समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे।